हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक ब्लॉग में। आज हम आए हैं अंबरनाथ स्थित पुरातन कालीन शिव मंदिर। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अंबरनाथ स्टेशन से शेयरिंग रिक्शा अवेलेबल है। यह अंबरनाथ रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है। मैंने आपकी सुविधा के लिए गूगल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसका यूज़ करके आप भी आ सकते हो। अंबरनाथ शिव मंदिर 11वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। इसे अमरेश्वर शिव मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और इसे पुरातन शिवालय के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर को पांडवकालीन मंदिर भी बताया जाता है। ऐसा भी मानना है कि पांडवों ने एक रात में ये मंदिर बनाया होगा। मंदिर के पत्थरों में खूबसूरती नक्काशी की गई है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर जैसा पूरे विश्व में कोई मंदिर नहीं है। ये शिलाहार राजवंश के राजा चित्तराज द्वारा बनाया गया था। ऐसा अनुमान है कि इसे पुनर्निर्माण उसके पुत्र ने भी किया था। यह मंदिर वाल्दुनी नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर 1060 ईस्वी में बनाया गया था। इसका शिखर मंडप की ऊंचाई से थोड़ा ऊपर की ओर है, जो स्पष्ट रूप से कभी पूरा ही नहीं हुआ। इसका निर्माण शिलाहार राजवंश के राजा महामंडलेश्वर ने करवाया था, जिन्होंने 800 ईस्वी सन पूर्व से लेकर 1240 ईस्वी सन पूर्व तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। अंबरनाथ का अर्थ है आकाश का राजा। भगवान शिव इष्ट देव है, जो गर्भगृह में लिंग के रूप में और हरिहर मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। मंदिर के गर्भगृह जमीन के नीचे है। यह मंडप से लगभग 20 सीढ़ियां नीचे और आकाश की तरफ खुला है। यह गर्भगृह के ऊपर कोई छत नहीं है, इसीलिए भगवान को आकाश यानी अंबर के सामने रखा जाता है। आज का व्लॉग मैं यही समाप्त करता हूँ। तो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।